उनके प्रति प्रणाम करकर आशीर्वाद मांगता हूं। सबसे पहले इस भूमि ने, जगत ज्योति बसवेश्वर ने जन्म भी लिया, काम भी किया और समग्र दुनिया को जगत ज्योति बसवन्ना ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का मंत्र सिखाया। उनके वचनों ने दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में ज्योति प्रकट करने का काम किया। ये महान समाज सुधारक जगत ज्योति बसवन्ना को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, ये राष्ट्रकूटों और चौलुक्यों की महान भूमि है, यही कित्तूर कर्नाटक से हमारे गुजरात में, यही की दो बेटियां बहुत महान राजरानी बनी, एक महारानी मिनल देवी और दूसरी नायिका देवी, जिन्होंने मम्मद घोरी को हराने का काम किया था। ये दोनों बेटियां कित्तूर कर्नाटका से गुजरात में ब्याही थी और उसी गुजरात की धरती से मैं आज कित्तूर कर्नाटक के सभी लोगों को प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, तब ऐसा मत समझना कि ये चुनाव जो आने वाला है वो शंकर पाटिल और अनिल भाई को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है, मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है। कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है। आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है। मित्रों, एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार, रिवर्स गियर सरकार, कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। बताओ भाई, कर्नाटक को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है? जोर से बोलो, ले जाना है या नहीं ले जाना है? क्या रिवर्स गियर चाहते हो? अगर रिवर्स गियर नहीं चाहते हो तो कमल के निशान पर बटन दबाकर शंकर पाटिल और अनिल भाई को जिताना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार ना युवाओं का भला कर सकती है, ना दलितों का कर सकती है, ना किसानों का भला कर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया, अत्याचार किया है। आज मैं नवलगुंड में आया हूं, ये नवलगुंड ही धरती है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलाई थी, गोलियां चलाई थी और किसानों को भून देने का काम किया था। आज जब मैं यहां आया हूं तब नवलगुंड के किसानों को कहकर जाता हूं, कांग्रेस वाले आते हैं तो उनको जरूर पूछना कि किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाने वाली कांग्रेस पार्टी को नवलगुंड का वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसानों के लिए कांग्रेस ने ना पानी की व्यवस्था की,
ना फर्टिलाइजर की, ना बीज की व्यवस्था की। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस वक्त यहां कांग्रेस की सरकार थी, एक लिस्ट मांगा कि कितने किसानों को हम किसान सम्मान निधि भेज सकते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 17 लाख किसानों की सूची भेजी। जब भाजपा की सरकार आई, किसान नेता येदुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री बने और मोदी जी ने फिर से लिस्ट मांगा, येदुरप्पा जी ने 54 लाख किसानों का लिस्ट भेजा और आज 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम होता है और 15,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। मित्रों, जब जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। येदुरप्पा जी ही थे जिन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में अलग किसान बजट रखने की शुरुआत हमारे येदुरप्पा जी ने की थी और एक कृषि बजट की परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसने किसानों के विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका की है। मित्रों, कांग्रेस की तीनों जगह सरकारें थी, केंद्र में भी थी, कर्नाटक में भी थी और गोवा में भी थी। मुझे बताओ भाई, महादाई का मुद्दा कांग्रेस रिजोल्व कर पाई क्या? कर पाई? मोदी जी ने महादाई का मुद्दा रिजोल्व कर ये उत्तरी कर्नाटक के अंदर किसानों के जीवन में नए खुशी और आनंद लाने का काम किया है। ऊपरी भद्रा परियोजना 5,300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने तय किया, अपर कृष्णा परियोजना 5,000 करोड़ तय किया और आप लोग जोर से ताली बजाना, कलसा बंडूरी को भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों के खेत में पानी नहीं भेजा है, एक एक बूंद पानी किसान अपना पसीना का बूंद डालकर उसको मां लक्ष्मी में परिवर्तित करता है। ये पानी नहीं है, किसानों के लिए समृद्धि है। मित्रों, समृद्धि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के समय में गन्ना के किसानों के लिए 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी होती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2100 से बढ़ाकर 3150 रुपया एफआरपी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ इथेनॉल की नई योजना लाकर किसानों को ज्यादा मुनाफा मिले, ऐसी व्यवस्था की कित्तूर कर्नाटक के लिए 5,700 करोड़ रुपये की लागत से 13 सिंचाई और बड़े बड़े तालाब भरने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और फर्टिलाइजर का मूल्य बढ़ने के बावजूद 140% सब्सिडी बढ़ाई, परंतु किसान को फर्टिलाइजर महंगा नहीं दिया, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों की एमएसपी उनकी लागत से 50% बढ़ाई, कपास के अंदर 41% एमएसपी की वृद्धि हुई, ज्वार के अंदर 65% हुई और इसके साथ साथ औसत एमएसपी में 36% की बढ़ोतरी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। हमारे कर्नाटक के किसान रागी बोते हैं, रागी ये कांग्रेस वालों ने कभी 70 साल में रागी को एमएसपी से नहीं खरीदा था। येदुरप्पा जी
और बॉम्बई ने रागी को किसानों को एमएसपी से खरीदकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम येदुरप्पा जी और हमारे बसवराज बॉम्बई ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को समृद्ध करने का काम किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी, सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते, मोदी जी को गाली दोगे इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। मित्रों, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची में एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जो गरीब के घर से पैदा होकर एक चाय बेचने वाले के बेटे के घर में पैदा हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबी हटाओ की बात करती थी मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करती थी। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर 9 साल के अंदर कर्नाटक के अंदर, सिर्फ कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं, 4,10,000 गरीबों को घर देने का काम किया। अभी प्रहलाद भाई ने बताया 43 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया। खाली कर्नाटक में 48 लाख घरों में शौचालय बनाया। 4 करोड़ कन्नड़िगा को हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नेता प्रधानमंत्री जी ने किया। किसान सम्मान निधि 54 लाख किसानों को दी। आयुष्मान भारत योजना 1,38,00,000 लोगों को 5 लाख तक का सारा बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 37 लाख, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, 37 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देकर उनकी रसोई को धुएं से मुक्त करने का काम किया। गरीबी हटाना वो ही कर सकता है जिसने गरीबी देखी है। एक कांग्रेस के शहजादे गरीबी नहीं हटा सकते, उनको तो गरीबी क्या है उसकी मालूमात भी नहीं है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है।